आज मास जी हमें बताएंगे शर्ट कटिंग के बारे में। मास जी कौन सा साइज काट रहे हो आप? 44 साइज की शर्ट काटने एकदम प्लेन शर्ट है मास जी? नहीं, पिंटेक्स वाली शर्ट काटनी सिखा रहे हैं। वैसे नॉर्मल शर्ट भी इसी तरीके से कटी है, ठीक है। मास जी कुछ बताओ इसके बारे में, चेस्ट वेस्ट कैसे नापते हो, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताओ। पिंटेक्स के लिए खाली अब लोग दिया होगा, ओके। कुछ आर्म के बारे में बताओ कि क्या सेटअप है, क्या चेस्ट वेस्ट कहाँ से स्टार्ट करते हो, ये सारी चीज़ें बताओ। सबसे पहले तो लेंथ है, लेंथ में आपसे सबसे पहले, ओके। ठीक है, हमारा आगे जो लेंथ होगी वो लेंथ है उसका, ठीक है। चेस्ट से हमारा चलाने चेस्ट से वाले से चलेंगे इसको, मैं सबसे बगल ठीक है। ये एक फिक्स रूल होता है, आर्म और बॉडी से ही जुड़ा होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये निशान होता है चेस्ट रूम के लिए, इसको आने के लिए हमारा शोल्डर गाइड करके दिखाइए, आर्म रूम की रखी हुआ, ठीक है। ये नेक का हमारा नेक फ्रंट नेक ड्रॉप, फ्रंट नेक ड्रॉप के लिए शोल्डर का होता है, शोल्डर में 200 के एक्स्ट्रा। अभी ये कटेगा आर्मोल शर्ट, एक नॉर्मल शर्ट है प्लेन 44 साइज की, बस इसके फ्रंट में पिंटेक्स डल रहे हैं। फ्रंट की शेप इसकी एप्पल कट है ना मास्टर जी? एप्पल कट, स्ट्रेट बॉटम, राउंड और एप्पल कट, ये दो तीन तरह के बॉटम होते हैं जो मतलब हमारे बनाए जाते हैं। ये हो गया नोच लगाना, मैनुअल नोच। ये हो गया हमारा फ्रंट तैयार, डन, ठीक है। तो पहले हमारा ये मार्किंग लगा हुआ है, बटन की मार्किंग से स्टार्ट करेंगे, तो यही से हम अपना बैक को बराबर करेंगे, सेम, ओके। अलग से वेलकम करोगे क्या? अरे भाई साहब अभी आ रहे हैं।